हिंदू धर्म में भगवान शिव को परम देवता माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि सच्चे मन से अगर उनकी आराधना करे तो वह अपने भक्तों से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पुराणों में कई बार भगवान शिव के पृथ्वी पर प्रकट होने का उल्लेख किया गया है और जिन जिन जगहों पर वह प्रकट हुए हैं उस जगह पर वह शिवलिंग के रूप में स्थित हो गए। ऐसा ही एक शिवलिंग जम्मू कश्मीर के अमरनाथ नाम के गुफा में स्थित है। आइए जानते हैं इस गुफा के कुछ अनसुने राज। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा का निर्माण 5000 वर्ष पहले हुआ था। ऐसा भी मानते हैं कि इस गुफा के अंदर जो बर्फ का शिवलिंग मौजूद है वह स्वयंभू है और चंद्र चक्र के अनुसार बढ़ता या घटता है। कहते हैं कई सदियों पहले भगवान शिव ने इसी अमरनाथ के गुफा में माँ पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था, लेकिन यह कथा इस शर्त पर सुनाई जा सकती थी कि कोई भी अन्य प्राणी इस कथा को ना सुन सके। इस वजह से भगवान शिव ने माँ पार्वती से अनुरोध किया कि वह ये कथा इस गुफा में जाकर सुनाएंगे जहां कोई भी उन्हें सुन नहीं पाएगा। क्या आप जानते हैं इस गुफा तक पहुंचने के रास्ते में आने वाले जो स्थल है इनका भी अपना एक अलग महत्व है और इसी रास्ते का इस्तेमाल भगवान ने इस गुफा तक पहुंचने के लिए किया था। गुफा तक की ये यात्रा शुरू होती है पहलगाम से। कहते हैं कि भगवान शिव इस जगह कुछ देर विश्राम करने रुके थे और उन्होंने अपने वाहन नंदी जी को इस जगह पर छोड़ दिया और उनसे कहा कि वह इस जगह पर पहरा दे और किसी भी जीवित प्राणी को आगे आने न दे। पहलगाम के बाद आता है चंदनवाड़ी, जो पहलगाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं भगवान शिव ने अपने जटाओं में वसे हुए चंद्रमा को इस जगह पर छोड़ा था। चंदनवाड़ी से निकलकर थोड़े आगे आने पर आती है पिस्सू घाटी। इस जगह की विशेषता बताई जाती है कि ये पहाड़ दानवों के मृतदेह से बना हुआ है। देव और असुर युद्ध के दौरान भगवान शिव ने आकर दानवों का खात्मा किया और उन्हीं दानवों के देह से ये पहाड़ बना। पिस्सू घाटी के बाद आता है शेषनाग। गुफा की ओर जाते वक्त भगवान शिव ने अपने गले में जो नाग है उसे इस जगह पर छोड़ा था। फिर आता है महागुना पर्वत, जहां भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान श्री गणेश को छोड़ा। महागुना पर्वत के बाद आता है पंचतरणी, जिस जगह पे भगवान शिव ने पंच महाभूतों का त्याग किया था। इसी जगह पर पांच नदियों का संगम होता है और ऐसा मानते हैं कि इन पांच नदियों का उगम भगवान शिव के जटाओं से होता है। और इस पूरे रास्ते को पार कर आखिर में आती है अमरनाथ गुफा, जहां पर बर्फ का शिवलिंग स्थापित है और इसी गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। जब भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे तब उन दोनों के अलावा गुफा में कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस गुफा में एक अंडा था जिसमें से बाहर आए हुए एक तोते ने इस कथा को सुना। ऐसा भी मानते हैं कि उस कथा को असल में माँ पार्वती ने नहीं बल्कि उस तोते ने सुना, क्योंकि माँ पार्वती कथा सुनते समय निद्रावस्था में थी और शिवजी कथा सुनाने में तल्लीन होने के कारण इसी बात से अनजान थे। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला कि एक तोते ने उस कथा को सुन लिया है, तब उन्होंने उसका वध करने के लिए त्रिशूल उठाया और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी के कोप में जाकर छिप गया और आगे जाके शुकदेव का जन्म हुआ। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव ने गुफा के आसपास की सारी जीवित वस्तुओं को जला दिया था, लेकिन एक कबूतर का अंडा जो उनके मृगछाला के नीचे था वह बच गया। उस अंडे से बाहर आए हुए कबूतर ने उस कथा को सुन लिया और वह अमर हो गया। हर साल श्रावण के महीने में भक्त लाखों की संख्या में भगवान शिव के दर्शन लेने अमरनाथ आते हैं।